तुर्कीगंज पारा वार्ड में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें बहू की मदद करने पहुंचे ससुर की भी करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद खबर फैलते ही आसपास सनसनी फैल गई। गंजपारा वार्ड में शोक का माहौल देखा गया। दुर्ग के वार्ड 37 गंजपारा में मंगलवार को हुए एक हादसे में बहू और ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना स्थल से मिली जानकारी के अनुसार घर के आंगन पर बंधे कपड़ा सुखाने के तार के साथ विद्युत तार भी लगा हुआ था, जिसके चलते ही कहीं पर तार के खुले होने से बहू मंजू सोनकर करंट की चपेट में आ गई, जहां मौके पर मौजूद ससुर शेखर सोनकर ने बहू को बचाने खुद भी करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस दर्दनाक घटना में मृत हुई बहू मंजू सोनकर अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई। वहीं मृतका का पति रोजी मजदूरी का काम करता है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस विपरीत स्थिति में पीड़ित परिवार और बिलखते छोटे बच्चों के लिए किस तरह सहायता पहुंचाकर पीड़ित परिवार को राहत पहुंचती है। सुबह 11:30 बजे के आसपास का मामला है। कल चूंकि दो दिन से लगातार यहां पर में आंधी तूफान आ रहा है, तो उसमें जो पीछे तरफ में इन लोगों ने एक बल्ब लगा के रखा हुआ था, जो कि लोहे से कनेक्टेड था, वो एक पाइप से, लोहे के पाइप से, और वहीं पर से एक उन्होंने एक तार भी लगा के रखा, जो तार पहले से आंधी तूफान की वजह से टूटा हुआ था। उसकी बहू जब वहाँ पर कपड़ा सुखाने के लिए गई है, तो उसी दौरान वो उस करंट की चपेट में आ गए, क्योंकि विद्युत का प्रभाव उसमें चालू रहा होगा। और जब उसके ससुर जी को पता चला, तो उसके ससुर जी भी उसको छुड़ाने के लिए गए वहाँ पर, तो वो भी इसी तार की चपेट में आ गए और दोनों की वहीं पर में मौत हो गई। अभी दोनों शव को जो है। एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।